गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट बॉक्स। मैं हूं पूजा राठी जैन और मैं आप सबका स्वागत करती हूं मेरे डेली व्लॉग्स में। सो हम पता है कल रात को एक बेड पे पांच लोग सोए हैं। सबसे पहले कुणाल, फिर फीफी, फिर मैं, फिर मोही, फिर दिशा। तो हम कल रात को दिशा नीचे आई 2:30 बजे यहाँ पे सोने के लिए, और उसके बाद हम ऐसे पांच लोग ऐसे सोए हैं। मेरी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई। बढ़िया, रात को मैंने इतने कपड़े धोए, मैंने रात को 8 बजे इतने कपड़े धोए और सुखा दिए कि अभी सुखा देती हूँ और मेरे को एक दो बेडशीट धोनी है, वो मैं कल सुबह उठ के धो दूँगी ऐसे करके। बट रात को इतनी तेज़ बारिश आई कि मेरे सारे कपड़े भीग गए और अभी मैं उठ के देख रही हूँ तो सब सूख गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको दोबारा धोऊं या जो बारिश के पानी से फिर से गीले होकर धुल गए इनको पड़े रहने दूँ। हाँ जी मोही, तो बताइए आपको रात को कैसी नींद आई? आप कुछ बोलना चाहेंगी? बताइए मोही की मम्मा, आपको कैसी नींद आई? बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा। आपको कैसा लगा? यही सोऊंगी। पांच लोग एक बेड पे, बहुत मजा। हाँ सही में, फिर अब मैं सुबह उठ के देख रही हूँ यहाँ पे तकिया लगा के फुल जोर जोर से खराब कर ले रही, फिर बोला इतना क्लोज कौन है। फीफी बहुत ज्यादा खराटे लेती है। फीफी की ये चीज है कि वो बहुत तेज खराटे लेती है, मतलब इंसान भी नहीं लेता होगा, फुल तेज। आज मुझे मिरर भी क्लीन करना है। अभी हम लोग गोवा का व्लॉग देख रहे हो, पुराने वाला। ओ यार कितने, मतलब बहुत मजे आए थे, मजे किए थे हम लोगों ने यार। हम ये हम लोग ट्रिप कम मारते हैं बट जब मारते हैं ना खतरनाक वाली मारते हैं। सही बोल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हमारा मन कर रहा है फिर से मॉनसून है, चले गोवा। सभी लोगों ने मना किया था मॉनसून में मत जाना गोवा, पर हमने और हमने मॉनसून में इतने मजे किए थे ना, इतने फिर से मन कर रहा है। चलो 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 आप और ये पता है ऐसा क्यों कर रही है, क्यों इतना कूद रही है? करेले के लिए। इसको करेला भी खाना है, मतलब इसको करेला इतना पसंद है कच्चा। हमारी मोही तो नहीं खाती, हमारी मोही को पता है क्या खाने की चीज है, इसको पता है क्या अच्छी चीज है। हाँ बेटा ब्लड साफ होता है, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। दी आपने ये देखा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये मैंने खुद ने बनाया अपने हाथों से। आ जाओ आपको यहाँ पे बैठ के चाय पिलाएंगे। यार बट कुछ भी कहो, मैंने ये बहुत अच्छा बनाया है यार, इससे मेरे पूरे हॉल का लुक आ गया। मतलब मैं सोफाज खरीदने का सोच रही थी कि मैं यहाँ पे एक अच्छे सोफा डालूंगी, बट फिर मुझे ऐसा कुछ अलग करना था तो मैंने ये किया। इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। हमने गोवा का व्लॉग देखा, एक घंटे बैठ के सारे व्लॉग्स देखे, कोई काम नहीं किया, ज्यादा मजा आ गया। मुझे वापस जाना, मुझे भी जाना। मॉनसून भी है, दिशा आपका दोनों चलते हैं, अपने को किसी की जरूरत नहीं है। तू वहां जाके फिर अपना पति बुला लेती है। हर बार कहती तू कहीं यही है, मैं अकेली। पति बुला लेती है का क्या मतलब है? हाँ तो तेरे को जाती जैसे कैब में बैठेगी तभी बोल देगी मुझे मेरे बाबू की याद आई। मैंने अभी ये तो तूने अभी व्लॉग्स में देख लिया, लेकिन यार हमने मतलब व्लॉग स्टार्ट किया था, मुझे लगा था आज बहुत सारा काम है, करूंगी व्लॉग शूट करते हैं, लेकिन दिशा की वजह से यही उल्टे काम करती है, ये चला के बैठी और मुझे भी कह रही बैठ बैठ बैठ। पर दीदू कहीं चलते हैं गाइस, अभी हम बनाएंगे एक प्लान। यार अभी बारिश का मौसम है, गोवा ही चलते हैं। चलो यार कहीं तो जाएंगे, पक्का जाएंगे, पक्का जाएंगे। Stay tuned guys, कहीं तो पक्का जाएंगे। Okay, bye. मेरे को बेबी चाहिए। फिर से पूछो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे मैं फटफट बेबी करूंगी, फिर बेबी को बड़ा करूंगी और उसको अपने व्लॉग्स दिखाऊंगी मैं, और उसको दिखाऊंगी कि देख हम ऐसे ऐसे पूरा दिन में ये करते थे, तेरे पापा ऐसे ब्रेड सेकते थे, चाय बनाते थे, मैं ऐसे व्लॉग बनाती थी, हम घूमने जाते थे। इसके लिए मुझे बेबी चाहिए। जब भी पैदा होगा तो देख लेगा। नहीं फिर थोड़ा जल्दी जल्दी पैदा हो ना, तो जल्दी जल्दी देखेगा, जल्दी जल्दी बड़ा होगा। पहले बहुत सारा
इकट्ठा तो करते हैं उसके बाद। और सोचो अगर हमारा बेबी ऐसा होगा जिसको हमारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, ठीक है, वो हम उसको ऐसे वीडियोस दिखाते होंगे कि देख हम गोवा गए थे, देख हम यहाँ गए थे, वो बोलेगा क्या यार मम्मी मेरे को नहीं देखना यार, फिर उसको भी ले जाएंगे, उसको भी व्लॉग में डाल देंगे। तब तक व्लॉग बनाएंगे अपन। Hey guys, तो मैं आज बजाने वाली हूँ पियानो, ठीक है, कौन सी धुन है तो नहीं पता, अच्छा तुम बताओ कौन सी बजाओ, मेरे को बहुत सारी आती है वैसे। और मैंने खुद से सीखा है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैंने बस पियानो खरीदा और उस पर खुद से प्रैक्टिस किया, तो मैं थोड़ी तो बहुत थोड़ी बहुत बजा लेती हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ। हर घड़ी बदल रही है, कौन सा हर घड़ी, हर घड़ी कल होना हो, कल होना कल होना, हाँ शौक है बजाने का, तो लेट्स गो परदेसी परदेसी। तो मैंने आज लंच में बनाए हैं भरवा करेले, जो कुणाल को बहुत पसंद है, दिशा को भी बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद, मैं करेले वरेले नहीं खाती हूँ, लेकिन इनके लिए मैंने बनाए हैं और मसाला बहुत टेस्टी बना है, मैंने इनको टेस्ट करवाया, अभी फटफट पराठे बना लेती हूँ मैं बस, अभी थोड़ा बहुत घर का काम है, मैं फटफट वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि शायद पेंटिंग वेंटिंग करूँगी, तो लेट्स सी। सो मेरा सारा काम हो चुका है और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं पेंटिंग कर लेती हूँ, तो मैंने पायल को बोला, मेरी फ्रेंड है, मैंने उसको बोला कि चल मैं तेरी पेंटिंग करती हूँ, तो तू मुझे अपनी फ़ोटो भेज, ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने मुझे कैसी फ़ोटो भेजी है कि हाँ तू इसकी पेंटिंग बना ले। फाइनली मुझे उसकी एक अच्छी फोटो मिल गई है जिसको मैं अभी पेंट करने वाली हूँ, तो मैं फटफट ड्रॉ करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे बन रही है, और मैं कोशिश करूँगी कि उसको एक घंटे में फटफट बना दूँ। सॉरी पायल, बट तू बहुत फनी लग रही थी, बट आई लव यू सो मच। कुणाल लेके आया मेरे लिए लीची, और लीची मेरा फेवरेट फ्रूट है, फीफी भी खाएगी, है ना? और मैं भी खाने आई हूँ। जब भी कुछ बनाते हैं मैं पहले आके खड़ी हो जाती हूँ। दुखी है ये, हम आटा लगाते हैं दो जनों का, ये पहले आ जाती है। अकेले को लगाना पड़ता है, फिर मैं इनके पास आके खा लेती हूँ, सुबह चाय पी जाती हूँ, एक्स्ट्रा बनाते हैं जीजू। सुबह सुबह आके खड़ी हो जाती है, जीजू कहते चलो चाय तो पिएगी। अभी हम लोग आए हैं छत पे, बिकॉज़ बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा वेदर है, पूरा सुबह बहुत बारिश हो रही थी, तो इसलिए हम लोग आ गए। एंड या गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू किड बॉक्स एंड अ क्यूट पिक्चर फ्रॉम किड बॉक्स।